कर्क में केतु और मंगल, मकर में राहु और गुरु। 60 साल बाद करवा चौथ पर पड़ी है ग्रहों की टेढ़ी चाल। मंगल और गुरु अपनी अपनी राशियों में नीच में हैं। ज्योतिष के लिहाज से ये स्थिति सुहागिनों के लिए मंगलकारी नहीं है। हमारे साथ पंडित सुरेश कौशल मौजूद रहेंगे जो हमें बताएंगे कि दरअसल क्या दिक्कतें हैं, क्या अमंगल है और कैसे उसे मंगल में तब्दील किया जा सकता है। करवा चौथ सुहागनों का त्योहार, प्यार का त्योहार, सुहाग की लंबी उम्र का त्योहार। आज सुहागने पति की लंबी उम्र और सुख शांति और संपन्नता के लिए व्रत पूजन कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार करवा चौथ कुछ खास है। लंबे अरसे बाद ऐसा मौका है जब मंगल और बृहस्पति दोनों अपने अपने राशियों में नीच में हैं। इसके अलावा दोनों ग्रह राहु और केतु के सानिध्य में भी हैं। ये स्थिति किसी भी विवाहिता स्त्री के लिए मंगलकारी नहीं है। आपको बता दें किसी भी स्त्री की जन्मपत्री में मंगल और गुरु का शुभ होना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इन दोनों ग्रहों का नीच होना सही नहीं माना जाता। यही वजह है कि जिस स्त्री का गुरु नीच होता है उसके निवारण के लिए विवाह के वक्त गुरु पूजन का विधान बताया गया है। इस तरह मंगल नीच होने या कन्या के मांगलिक होने या कुंडली में मंगल और गुरु में से कोई एक या दोनों ग्रह अशुभ होने या राहु केतु और शनि की दृष्टि उस पर होने पर विवाह के वक्त विशेष पूजन के जरिए उसके निवारण का विधान है। यही नहीं, ग्रहों को सुधारने के लिए विवाह के उपरांत भी पूजन का विधान है। चूंकि इस बार करवा चौथ पर मंगल और गुरु दोनों ही अपनी राशियों में नीच में हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि इस अमंगल को मंगल में कैसे बदलें। तो घबराएं नहीं, खास तरह से पूजा अर्चना कर आप अमंगल से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हर राशि में इन दो ग्रहों की पूजा तथा उस राशि में पति से जुड़े ग्रह का पूजन जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चले कि आपके पति से जुड़े ग्रह कौन से हैं, किसकी पूजा आपके सुहाग के लिए लाभकारी है। तो परेशान न हो, करवा चौथ पर किस राशि की महिलाएं कैसे पूजा करें ये हम आपको बताएंगे। आज तक ब्यूरो।